श्री बिहारी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। वृंदावन चंद जी की जय। समस्त आचार्य वृंदन की जय। गुरुदेव शरणारविंद की जय। स्वामी श्री पीताम्बर देव जी महाराज की जय। श्री पीताम्बर देव जी महाराज के उत्सव महोत्सव की जय। समस्त प्रेमी परकर की जय। जय जय श्री हरिदास। अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज आपके सकुशल प्रवीण रसिक अनन्य व्रत धारण करे विवारे एकमात्र परम रसिक श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज। प्रेमी रसिक जनो, आज से श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज का उत्सव श्रीधाम वृंदावन में रसिक जन प्रेम के साथ मना रहे हैं। आज से भी है, कहीं 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 कल से भी है, जैसा जैसा। श्री रसिक बिहारी जी में प्रधान रूप से उत्सव को मनाया जाता है। श्री गोरेलाल जी, श्री टटिया स्थान, श्री हरदास सेवा संस्थान, आपकी श्री रंगीली कुंज, यहाँ भी श्री पीताम्बर देव जी महाराज के उत्सव को श्री रंगीली कुंज में जो भी जैसे भी स्वामी जी महाराज की कृपा होती है, प्रत्येक उत्सव को अल्प रूप में अथवा जैसे भी रूप में जैसे वो मनाए लें मनवाए लें यह मनाया जाता है। आज से प्रारंभ हुआ है, अभी अभी समाज गायन, संतों के दर्शन, संतों के द्वारा पद गायन, समाज गायन पूर्ण हुआ है और अब आप श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज के संबंध में कि श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज बड़े कौतुकी रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के ही स्वरूप थे। ऐसा कौन हो बेगो जो स्वामी जी महाराज के बिहारी बिहारिन के निपट नित्य विहार प्राप्त करने की चाहना जिसके हृदय कमल में न हो। श्री पीताम्बर देव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को ही स्वरूप मानो जाए है। ऐसा रसिक प्रेमी भावक जनों का निर्णय है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज प्रकट हुए, इसलिए ये उत्सव चार दिन पहले प्रारंभ होता है। श्री निजमतकार किशोरदास जी महाराज, आप श्री पीताम्बर देव जी महाराज के शिष्य थे, जिन्होंने बृहद ग्रंथ श्री निजमत की रचना की, उसमें श्री पीताम्बर देव जी महाराज का चरित्र बृहद रूप से वर्णन है। श्री सहसी शरणदेव जी महाराज ललित प्रकाशकार, आपने भी ललित प्रकाश में सूक्ष्म रूप में अल्प रूप में श्री पीताम्बर देव जी महाराज का स्वयं वर्णन किया। रसिक महानुभाव श्री पीताम्बर देव जी महाराज का स्वयं वर्णन करते करते थकित नहीं होते। महाराज श्री की ऐसी अटपटी लीलाएं बहुत
कि उनको श्रवण करेंगे तो आश्चर्य में डूब जाओगे। तो आज जो है उनके संबंध में ही थोड़ा सा श्रवण करेंगे और विशेष क्रमानुसार दैनिक यानी आज 26 तारीख से और 30 तारीख पर्यंत ये सब बराबर जो है चलेगा। तो प्रेमी रसिकजन जिस तरीके से अल्प संख्या में जैसे भी समय के हिसाब से सब जो है दर्शन देंगे, जैसे जैसे भी आ सकते हैं, जिस जैसे भाव न्याव चाव, तो आज आप श्रवण करेंगे गुरु स्वामी जी महाराज की जय, बिहारी जी महाराज की जय। रसिक देव के शिष्य सब रसिक अनन्य स्वरूप श्री पीतांबर देव की अब सुन कथा अनु। श्री किशोरदास जी महाराज कहते हैं स्वामी श्री रसिकदेव जी महाराज के एक से एक प्रवीण शिष्य थे श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, जो साक्षात वैराग्य के निधि थे। अनन रसिक जो श्री टटिया स्थान में विराजे वो भी श्री स्वामी रसिकदेव जी महाराज के शिष्य थे। और गोरेलाल जी गद्दी को सुशोभित किया श्री गोविंद देव जी ने, वो भी श्री रसिकदेव जी महाराज के शिष्य थे। और रसिक बिहारी में खास श्री पीतांबर देव जी महाराज विराजे, तीनों गद्दियों को श्री स्वामी रसिकदेव जी महाराज के शिष्य प्रकरण ही सुशोभित किया था। तो पीतांबर देव जी महाराज के संबंध में आप तो श्री पीतांबर देव की अब सुनी कथा अनूप कथा प्रेमी रसिकजनों श्रवण करिए। संतत सुख निद परम अनादि श्री हरिदास वंश की गादी तापर श्री पीतांबर देवा को असले तुतास को भीवा। जैसे श्री स्वामी हरिदासा तैसे श्री बीठल विपुल प्रकाशा तैसे दास बिहारिन स्वामी जैसे नागरी सरस सुनामी जैसे नरहर देव अनुपा तैसे रसिक देव रस रूपा जैसे श्री पीतांबर देवा करें कृपा जाने जो भीवा। तिनको दास सकल विधि जाने भावुक भक्त सवे उन्मान हिंसक विमुख असयाधारी पाखंडी डिम्बी व्यभचारी कुटिल विमुख पावत नहीं जिनको किंचित भीव ते उलूक ए उदित रवि श्री पीतांबर देव। आचार्य प्रवर श्री स्वामी किशोरदास जी कहते हैं अपने श्री गुरुदेव के विषय में कुटिल विमुख पावत नहीं जिनको किंचित भी, जो कुटिल हैं विमुख हैं जिनको महापुरुषों का रूप नहीं सूझता है उनको कुछ भी प्राप्त नहीं। जो प्रेमी हैं रसिक हैं जिनको वस्तु की जिज्ञासा है सकल पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन नर पावत न, जो कर्महीन पुरुष हैं उनको वस्तु प्राप्त नहीं होती है, श्रद्धाहीन हैं उनको वस्तु प्राप्त नहीं होती है। जो रसिक जनों के श्री चरणों में उनके चरित्र में जो श्रद्धा नहीं रखते हैं उनको वस्तु कदापि प्राप्त नहीं होती। ते उलू के उदित रवि श्री पीतांबर देव, जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वो लोक के समान होते हैं, जिनकी सूर्य निकले हुए हैं लेकिन आंखें बंद रहती हैं, कहते कि सूर्य निकले ही नहीं, उल्लू का स्वभाव है, उल्लू का स्वभाव होता है। महापुरुष जगत में संसार का जगत का कल्याण करने के लिए प्रकट होते हैं लेकिन उल्लू शरीर के लोगों को वो समझ में ही नहीं आते हैं, दिखते ही नहीं है। किशोरदास जी महाराज कहने श्री पीतांबर ते अति परम तत्व को रूपा जैसे श्री हरिदास अनुपा
स्वामी जी के वंश में श्री पीताम्बर देव जी महाराज अति परम तत्व को रूप तत्व के साक्षात स्वरूप रहे। इनको परहूते परदेसा इनके जन बिन लहे न लेसा तिनको अव्यक्त समाजा व्यक्त स्वरूप धर्यो मूका जा जिनको जन्म अलौकिक जानो सो सुन कथा सकल ब्रह्मानो। महाराज कहते हैं श्री पीताम्बर देव जी महाराज के जो जन्म है अलौकिक दिव्य है, उनकी कथा सुन के आप भ्रम का निवारण करो। कैसे हुआ जन्म, किसी प्रकार से हुआ। अति अद्भुत तिनको सुठ अंगा वचन शुद्ध अविरुद्ध उतंगा सकल सिद्धिया ज्ञानुसारी नित्य विहार सार व्रतधारी अत्युत्कट वैराग स्वरूपा सेवत पद पंकज रज भूपा विचरत भये विपिन गर अवनी पुष्कर आदि भूमि अगदवनी। विचरण भी बहुत किया श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज। पुष्कर पहाड़ हैं, नाना प्रकार के पहाड़ों में भी भ्रमण किया। आबू पर्वत जहाँ नागार्जुन मिले, श्री कपिल देव जी के यहाँ भी गए, आदि आदि प्रसंग आप जो है कैसे कैसे गए, किस तरीके से सिद्धियाँ प्राप्त करी और किस तरीके से प्रसिद्धियों को तिरस्कार कर दिया, छोड़ दिया कि ये सिद्धि हरि भक्ति को देने वाली नहीं है प्राप्त होने के बाद। तो ये सारा वृतांत आप प्रेम से श्रवण करोगे आगे। श्री पीताम्बर देव की अद्भुत कथा पार श्री किशोरदास वर्णन करत निज मन मत अनुसार। किशोरदास जी वर्णन करते हैं अद्भुत कथा है पिता। तिनके पद पंकज मम सीसा सतगुरु रूपो धरे जगदीसा। श्री पीतामर देव जी महाराज के रूप में, मेरे गुरुदेव जी के रूप में साक्षात हरि है। गुरु और हरि में प्रेमी जनों अंतर नहीं माना जाता है, तभी वस्तु वस्तामर होती है। तिनकी कथा करण को प्यारी उदित हो तुर मध्य बिहारी आद्य अंत को मोहे सुनावो श्री गुरु सुज सुधार सियावो सुन सुबुद्धि सुमन की बानी यद प्रसन्नता निज पुरानी श्री गुरु पद पंकज अनुरागे अद्भुत कथा कहन को लागे। श्री पीताम्बर देव गुरु नित्य विहार प्रधान जिनके गुण वर्णन करो सुन मन तम ब्रह्मान। हे मन, भ्रम को दूर करके और इन कथा के माध्यम से भ्रम दूर हो जाएगा और पहले से श्रद्धायुक्त भावयुक्त हृदय से जब श्रवण करेंगे तभी वस्तु और महाराज श्री का स्वरूप हृदय में विराजमान होगा। नारनौलता को शुभ ग्रामा साझा पुरवत उत्तम ठामा। महाराज श्री बोले साझापुर में नारनौल नाम का एक ग्राम था। नारनौल साझापुर उत्तम ठामा बड़ी सुंदर जगह थी। चौबी लाल गौड़ द्वज धर्मी बड़ कुल परम धर्म को मर्मी। वहाँ गौड़ वंश में प्रकट हुए श्री चौबे लाल जी, ब्राह्मण गौड़ वंश में प्रकट हुए श्री चौबे लाल जी। द्रव्य अधिक तनवति बलवाना कीने ब्याह कर सिधन नाना तासु वंश चौबे बड़ नामा राम कुंवर ताकी सुत बामा। बहुत द्रव्य था, बहुत बड़े धनवान थे, सब लोग उनकी बातें स्वीकार करते थे, बातें मानते थे, शासन करते थे सबके ऊपर। तास वंश चौबे वर्णामा राम कुंवर ताकी सुत बामा। श्री चौबे चौबे लाल जी की धर्म पत्नी जी थी, यानी श्री पीतामर देव जी महाराज जी की जो
माता जी थी उनका था नाम राम कुमार, नाम था राम। चौबे तेज पुंज शिव भक्ता, शक्ति स्वरूप जान अनुरक्ता, गलग रुद्राक्ष त्रिपुंडर माला, विष्णु भक्त निंदक निजाला। लेकिन एक विशेष कमी थी पिताजी के अंदर, बहुत बड़ी। कौन सी? यहां वर्णन कर रहे हैं गल राम कुमार, गल रुद्राक त्रिपुंडर माला, विष्णु भक्त निंदक निज चाला। विष्णु भक्तों का, वैष्णवों का, रसिकों का, यानी वैष्णव और रसिकों की निंदा करते थे, और शक्ति के, शिव शक्ति के उपासक थे, शाकत थे, शैव्य शाकत पिताजी। गल रुद्राक्ष, गले में रुद्राक्ष धारण करते थे, त्रिपुंड लगाते थे, और विष्णु भक्तों की, हरि भक्तों की निंदा करते। राम कुमार लखपति को नैना, बिनु हरि भक्त नहीं मन चैना। राम कुमार बड़ी दुखी रह गए, क्योंकि वो हरि भक्त थी और पति जो है शाकत हैं, शैव्य हैं, तो राम कुमार बेचारी बड़ी दुखी, चैन नहीं पड़। सो विचार सो उपजावे, मोपति कृष्ण भक्त हो जावे। हमेशा हमेशा ठाकुर से प्रार्थना करें, श्री कृष्णचंद्र जी से प्रार्थना करें कि हे ठाकुर, ऐसी कृपा करो मेरे पति देव और हरि भक्त हो जाएं, आपके भक्त हो जाएं, ये साकतपन को, सैव्यपन को त्याग दें। राधा कृष्ण स्वरूप की प्रतिमा लई, लिखाए पतिते छिप पूजन लगी, निज पति गिन छवि छाए। पति देव अभक्त होने के कारण से, हरि भक्त न होने के कारण, शैव्य शाकत होने के कारण राम कुमार ठाकुर से प्रार्थना करती है और छुपके से राधा कृष्ण की मूर्ति मंगा लें और उनकी छुपके से सेवा पूजा करती, तल्लीनता के साथ। पतिते छिप पूजन लगी, निज पति गिन छवि छाए। अपने निजी पति समझ के, अपने स्वामी समझ के उनको जो है पूजने लगी, जो भी कुछ कहना सुनना है मूर्तियों से कहती। तिन को पति गिन बदत सकामा, तुम मो पति में तुम री बामा। और कृष्णचंद्र जी को अपने पति माने, मैं आपकी बामा हूं और आप मेरे पति। तुम समान मेरे सुत होए, तो मोसम जग में सिकोए। हे प्रभु, आपके समान मेरे पुत्र हो तो मेरे समान सौभाग्यशाली संसार में कौन रह सकेगा। ऐसे करत बीनती माता, लति हरि चित्त प्रफुल्लित गाता। ऐसे बीनती बराबर करती थी। 14 वर्ष भयो तन अपनो, निख्योता से चित्र को स्वप्नो, चित्र स्वप्न मध्य वचन सुनायो, हो गए अब तेरो मन भायो। तो कृष्ण जी के चित्र ने वचन सुनायो कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारो मन भायो, जो तुम चाह रहे हो तुम्हारा मन भाया होगा। सोने हरि वचन जगी तत्काला, जाने अब हरि भई दयाला। आप सुन के एकदम बैठी हो गई, अरे मोकू तो ठाकुर जी ने कहा है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, हरि ने कहा है, और तत्काल जगी, अब तुम हरि दयालु हो गए मेरे पे, मेरी मनोकामना पूर्ण होगी।
बिनही पुष्प गर्भ धरि माता जानी सास ननद विख्याता। बिनही पुष्प गर्भ धारण हो गया, पिताजी का कोई संयोग नहीं है, हरि कृपा भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से गर्भ धारण हुआ। जानी सास ननद विख्याता, और ये चर्चा सहज भाव से सास ननद इस विशेष चर्चा को, विशेष आनंद की बात को सब जान गए। माता भई भवन सिंगारा, तेज रूप सुख बढ़ो अपारा। और माता तो भवन की सिंगार हो गई, जैसे जैसे जो है उधर में बालक की वृद्धि होती है, तैसे तैसे स्वरूप माताजी की कांति उज्जवल होती है, और ऐसे मानो भवन में प्रकाश ही हो गए। तेज बढ़ता ही चला जा रहा है माताजी का। जैसे जसुमत देव की कौशल्या छवि छाय, लक्ष्य द्रव्य घर में भयो उद्यम बिना उपाय। जैसे जसुमत जी के यहाँ, जैसे कौशल्या के यहाँ जिस तरीके से आनंद छाया, जिस तरीके से प्रकाश छाया आनंद, तो उसी प्रकाश लक्ष्य द्रव्य घर में भयो, सहज बिना ही प्रयास के, बिना ही उद्यम के बहुत लाखों द्रव्य और घर में अपने आप हो गया, सब आनंद छा रहा है सब तरीके से। जहाँ ऐसे महापुरुष आते हैं, हरिहंस आते हैं, वहाँ ऐसा ही होता है। जा दिन जन्म होन दिन आयो, ता दिन सब मन मोद बढ़ायो। जिस दिन जन्म होना है सब प्रसन्न चित्त हैं। माता ते प्रसन्न उठ धाई, घर गोशाल तहां चले आई। भादो कृष्णाष्टमी सारा, आगम सांध निर्धारा। गोशाला मद जन्म सुहायो, जैसे कृष्ण उदित छव छायो। गुरुजन नार सकल उठ धाई, सुवन सहत सुनवा घर लाई। उत्सव करण लगे नर नारी, दुखित मुख सुन संत सुखारी। बोलो श्री पीतांबर देव जी महाराज की। जन्म चारों तरफ खुशहाली छा गई, प्रेमी जन आनंद में छा गए, कुटिल लोग दुखी हो गए, ऐसा होता है। भय एक संवत्सर धारी, सुखित सहज पुर के नर नारी। अति उपाय सब सुख बने आवे, अतिरुपिक मित्र भय जावे। तेज पुंज शोभित सुतन, अति सुठौन सब अंग। भूषण के भूषण भवन अद्भुत अति पंग। अब एक और प्रसंग कहते हैं, तदंतर सुनो और प्रसंगा, आता सुमध्य ऐश्वर्य तंगा। सहाओ सैनिक सिद्ध फकीरा, कृष्ण भक्तन रक्त सुधीरा। एक सहा हुसैन नाम के कृष्ण भक्त थे, मुस्लिम जाति में पैदा हुए लेकिन कृष्ण भक्त थे, उनका नाम था सहा हुसैन। अति विवेक बैराग्य स्वच्छंदा, संत निरख उपजत आनंदा। अति विवेकी थे, बैरागी थे, और संतों के दर्शन करके अति आनंद उपजता था, अनुरागी थे। इश्क अमृत यतनेहा, जहाँ तहाँ बनवावत गेहा। द्रव्य अमृत आसन तरकाड़े, देत सुनाए भवन रुसिवाड़े। एक विशेष बात थी, कोई गरीब दीन दुखी देखते उसके लिए मनमानी धन दे देते थे कि मेरे आसन के नीचे, अपने आसन के निकाल, नीचे से निकाल निकाल के धन देते रहते थे, ऐसे जो है प्रताप बांधते। हरि बिरही संतन की सेवा, कृष्ण संत मानत निज देवा। संतों की सेवा करते थे जो हरि अनुरागी हैं, और
जो कृष्ण भक्त संत उनकी सेवा में बड़ी रुचि रखते थे हमेशा, वो अपने साक्षात देव ही मानते थे। जवन जौन ते उपजो देहा सो तज हरि भक्तन सोनेहा। यद्यपि देही जो उपजी है यवन योनि में उपजी है, लेकिन जो सने है हरि भक्तों से है। बिरह भाव जुत सुंदर वाणी सुनत महंत संत सुखदानी। उनकी वाणी को और बिरह भाव को, हरि के प्रति अनुराग को सुन सुन के संत भक्त बड़े प्रसन्न होते थे। उनका नाम था साहू हुसैन। तो साहू हुसैन जी प्रथम जन्म की सुध सब होनहार को ज्ञान वर्तमान मध्य अति नुपुण देत करत सम्मान। अपने प्रथम जन्म का भी ज्ञान था कि मैं पहले जन्म में कौन था, उनको सारा ज्ञान था, और अब क्या होगा ऐसा भी ज्ञान, होनहार को ज्ञान, वर्तमान मध्य अति निपुण, और वर्तमान में जो स्थिति में बड़े निपुण थे साधना में और सिद्धि में। देत करत सम्मान ऐसो परम फकीर प्रतापी निस दिन कृष्ण नाम को जापी। ऐसे प्रतापी फकीर और हमेशा हमेशा कृष्ण नाम जाप करते थे। सो पंजाब देश ते धायो रमत रमत साझापुर आयो। पंजाब देश से आए और भ्रमण करते करते साझापुर आए। बोलो बिहार जी महाराज की जय। तो साझापुर में तासु दर्शकों सब चले आमे जथा जोग जैसो फल पामे। दो सत बाम दर्शित धाई तिन मधु राम कुमार चले आई। उनके दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और बहुतेरी बालाओं के बीच में, 200 बालाओं के बीच में राम कुमार यानी पीतामर देव जी महाराज की माता जी भी राम कुमार और पीतामर देव जी को गोदी में लेके वो भी चली आई। अद्भुत अरबक लय निज संगा चली तीन मध अधिक उमंगा। तो अद्भुत अरवक है अपने संग लेके बालक को और तियान के संग आ रही है। अधिक उमंगा साहु सैन को दर्शन पायो बालक तास दृष्टि में आयो। वो बालक उनके संग था, साहु सैन ने देखा, साहु सैन के दर्शन करे राम कुमार जी ने, इधर उस बालक के दर्शन और साहु सैन ने किए। लख फकीर ताछिन उठ धायो बालक अपने उर लपटायो। एकदम उठे और वह बालक को गोदी में लेके अपने हृदय से लगा लियो, हृदय से लगा लियो। चरण कमल नयन लगायो प्रथम जन्म के सब गुण गायो। और उनके चरणन को, बालक के चरणन को अपने नैनों से और बार बार उनके चरणों को अपने माथे पे लगाए, हृदय पे लगाए। प्रथम जन्म के सब गुण गाए और पहले जन्म के सारे गुण गाए। ये बालक तो मेरे श्री गुरुदेव है। गुण गाए आते उत्कट स्तुति करी छिन छिन पद सिर नाय। प्रथम जन्म को वचन सुख सबको दयो सुनाए। बहुत बड़ी स्तुति करी और बार 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 नमन करे। दुनिया उनके नतमस्तक हो रही है लेकिन इस बालक के श्री चरणों में ये शाह हुसैन नतमस्तक। आगे की कथा आगे श्रवण करेंगे। आज का प्रश्न बोलो स्वामी जी महाराज की।